हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, जो कि ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला श्वसनीय वर्णक है, जो हीम तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। सभी कशेरुकी प्राणी में यह लाल रुधिराणु यानी कि RBCs में पाया जाता है। केचुए तथा अकशेरुकी प्राणी में यह रुधिर प्लाज्मा में घुला होता है। बात स्पष्ट हुई, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके RBCs में और जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनके रुधिर प्लाज्मा में यानी कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है, जो मानव शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है। ठीक है, इतना बात स्पष्ट हो गया, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। तो वायु कोष्ठ से ऑक्सीजन और RBC से हीमोग्लोबिन मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका तथा ऊतकों में पहुंचकर विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देती है और पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है और वो विखंडित होकर के ऑक्सीजन को मुक्त कर देती है और पुनः अपने वास्तविक रूप हीमोग्लोबिन में आ जाती है। हीमोग्लोबिन का प्रत्येक मॉलिक्यूल 4 आयरन एटम से बंधा होता है। प्रत्येक आयरन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का संवहन करता है, अतः ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल का संवहन हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के द्वारा होता है। प्रत्येक 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जो RBCs के 100 ml ब्लड के द्वारा 97% ऑक्सीजन का विनिमय होता है और 3% ऑक्सीजन का विनिमय ब्लड प्लाज्मा के द्वारा होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।